तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, और ये सेकंड लास्ट ऑर्गेनल है इस चैप्टर की। इसके बाद वैक्यूल और रह जाएंगे। वैक्यूल को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका फंक्शन क्या है और ये कौन सी सेल में मिलता है, ये सब अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और जानते हैं कि प्लास्टिड क्या होते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। देखो भाई, प्लास्टिड्स के बारे में आप ये जान लीजिए सबसे पहले तो कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ये मिलेंगे। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। प्लास्टिड्स के देखो भाई, तीन टाइप होते हैं। प्लास्टिड्स के तीन टाइप होते हैं जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो ये है प्लास्टिड, और प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं। आपने सुना ही होगा नाम क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा बचपन में भी। एक और ऑर्गेनल है जो कि प्लास्टिड का ही एक टाइप है, जिसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक और प्लास्टिड है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। तो तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं और इन तीनों के ही अलग अलग काम है। वो अलग अलग काम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है भाई। ये तीन प्लास्टिड हो गए और इन तीनों के काम है कुछ। फिलहाल मैं थोड़ी डिजाइनिंग कर देता हूं। तो ये तीन टाइप हैं और तीनों के अलग अलग काम हैं। वो तीनों अलग अलग काम क्या हैं, सुनिए ध्यान से, नाम से ही पता चल रहा है। देखो भाई, क्रोमो, क्रोमो मीन्स होता है कलर। क्रोमो मीन्स होता है कलर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो प्लांट्स को कलर देने का है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है, प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर टू द प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर जो अलग अलग कलर हमें दिखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन, ठीक है भाई। ग्रीन कलर को छोड़ करके जो ये ग्रीन कलर है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं होता है। ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। सो द क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड प्रोवाइडिंग ग्रीन कलर टू द प्लांट, ठीक है भाई। अब कलर ये देते क्यों है, ये बात मैं तुम्हें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है भाई, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर। अब प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन क्यों है, स्टेम का कलर ग्रीन क्यों है, इस सब के पीछे ये पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है भाई, एक पिगमेंट है। तो पिगमेंट का एक काम हमें यहाँ पे पता चल गया है कि पिगमेंट कलर देने का काम करते हैं। तो सर फिर ये जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं
क्लोरोप्लास्ट की वजह से, लाइक येलो कलर, रेड कलर, ये सभी कलर्स कौन से पिगमेंट की वजह से होते हैं? तो आप बस याद रखें ना, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये सब एक कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। कैरोटीन, आप इसको ऐसे लिख लो, कैरोटीनॉइड पिगमेंट आप इसको लिख लो, ठीक है भाई। कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर मिलते हैं प्लांट को। तो क्रोमोप्लास्ट के पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। पिगमेंट्स कलर देने का काम करते हैं, मैं लिख देता हूं नीचे, पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कलर, प्रोवाइड कलर्स, ये कलर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप इस चीज को याद रखेंगे कि पिगमेंट्स क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, मैं यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं, नो पिगमेंट, इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। अब क्योंकि इसके पास पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट को हम कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, एक कलरलेस प्लास्टिड है। अब यही अगर बात आती है कि ये फंक्शन क्या क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, क्रोमोप्लास्ट को काम तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ये क्या करता है, अलग अलग कलर देता है प्लांट को। जैसे कि कोरोला में अलग अलग कलर होते हैं, फ्लावर जो इतने कलरफुल होते हैं उसके पीछे क्रोमोप्लास्ट का ही हाथ है। फ्रूट्स डिफरेंट कलर के होते हैं, उसके पीछे भी क्रोमोप्लास्ट का हाथ है। हाथ मतलब समझ रहे होंगे आप, हाथ का मतलब क्या है यहाँ। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराता है। प्लांट के अंदर एक रिएक्शन चलती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हो पाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। चलो ये बात मैं फोटोसिंथेसिस वाली अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसी वजह से ये कलरलेस प्लास्टिड है, जैसा कि अभी बताया मैंने। लेकिन ये काम क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करता है। अब कौन कौन सी चीज को स्टोर कर सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकता है। एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी, ये स्टोर कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये स्टोर कर सकता है फैट या लिपिड को, फैट या लिपिड, और ये स्टोर कर सकता है प्रोटीन को, ठीक है बच्चों। तो ये इन चीजों को स्टोर करते हैं। आई होप आपको अब तक पता चल चुका है कि प्लास्टिड्स क्या है, ठीक है, कौन सी सेल्स में मिलते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, और इसके टाइप्स कितने हैं। तीनों ही टाइप के मैंने काम बता दिए और पिगमेंट्स से इनका रिलेशन बता दिया कि किस प्लास्टिड के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक है भाई। अब मैं ये सब इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम और पढ़ा देता हूं। तो मैं प्लास्टिड को यहां से इरेज कर रहा हूं बस, और यही साइड में हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेंगे, ज्यादा जगह नहीं लेंगे, ठीक है। तो भाई इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, आप ये बनाइए और फिर एक और मेम्ब्रेन बना दीजिएगा, इस तरह से मैंने दो मेम्ब्रेन बना दी। इसके अंदर, अच्छा ये छोटे में शायद बन नहीं पाएगा, मैं इसको बड़ा डायग्राम बनाता हूं, तो थोड़ा सा इनको मिटा देता हूं। मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना रहा हूं, जो कि ज्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है भाई। तो सुने,
अब मैं ड्राइंग बना रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है, और फिर इसके बाद एक और लेयर बनानी है इसके अंदर। बहुत ही फाइनली आपको ड्राइंग बनानी है, आप पेंसिल का यूज करें, और जब प्रैक्टिस से आप एकदम परफेक्ट बन जाएं, तब आप लोगों ने डायरेक्ट पेन भी यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पेंसिल का ही यूज करें, क्योंकि वहां मिस्टेक हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सबसे इजी जो डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, वो मैं आपके सामने बना रहा हूं। इससे ज्यादा इजी डायग्राम आप नहीं बनाओगे, सॉरी आई मीन बना नहीं पाओगे। ठीक है भाई, हमारे बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हमारी ड्राइंग से। मैं इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, उनको मैं अलग अलग कलर से भी यहां पे डिनोट करूंगा फिलहाल। आप अगर ये वीडियो YouTube पे देखेंगे तो यहां पे आप बेशक स्पीड को सवा गुना कर दीजिए, आई मीन 1.25। ओके अच्छा, इसके अंदर देखिए मिलता क्या क्या है। मैंने इसके अंदर आरएनए पुट कर दिया है, ठीक है, आरएनए है ये, मैं लिख दूंगा इनके नाम अभी। ठीक है अच्छा, और कुछ ग्रेन्यूल्स मैंने पुट कर दी हैं ब्लू कलर से। ठीक है अच्छा, कुछ और ग्रेन्यूल्स मैंने पुट अप कर दिए हैं। आप रैंडमली कहीं भी इनको पुट अप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये इधर में ही पुट करना है। ठीक है भाई, इसके बाद और कुछ पुट कर देते हैं, लाइक डीएनए। इसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। और मैं कुछ राइबोसोम्स यहाँ पे पुट कर देता हूँ, राइबोसोम्स। अब मैं इनके नाम बताता हूं आपको एक एक करके, तो स्टार्ट हो जाइए और फोकस कीजिएगा कौन कौन से मैं नाम बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है भाई, हाँ जी, तो सुनिए ध्यान से। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, और ये है डीएनए सर्कुलर, इसका ये है स्टार्च ग्रेन्यूल और ये है लिपिड ग्रेन्यूल्स। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है आरएनए। अच्छा, ये है लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है भाई, चलो नाम लिखेंगे इनके साथ में, अभी रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं राइबोसोम्स। ठीक है अच्छा, ये व्हाइटिश कलर का जो मैंने यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट किया है, ये इसका अलग नेम है। ठीक है, इसको भी बताएंगे इसके बाद। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर के यहां तक की एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ग्रेना। ठीक है भाई, और इसकी हर एक यूनिट को हम थायलाकॉइड बोलते हैं। तो इतने सारे नाम हो गए, मैं लिख देता हूं एक करके सभी के नाम येलो कलर से। ठीक है भाई, तो ये है स्ट्रोमा, वो भी फ्लूइड फॉर्म में। यहाँ पे जो स्ट्रोमा है वो फ्लूइड फॉर्म में है। ठीक है, ये है यहां पर आरएनए।
ये है इसका सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ये है राइबोसोम, ये है स्टार्च ग्रेन्यूल, ठीक है भाई, ये है लिपिड ग्रेन्यूल, ठीक है भाई, ये है ग्रेनम। अच्छा, मैंने एक को यहां पे ग्रेनम बताया है, अगर मैं एक से ज्यादा, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर आप यहां पर भी देख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, यहां पर भी आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहां पर भी, तो अगर मैं मल्टीपल ग्रेनम की बात करूं तो वो ग्रेना टर्म होगी, ठीक है, तो ग्रेना एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, ग्रेना एक प्लूरल वर्ड है और ग्रेनम एक सिंगुलर वर्ड है, यहां पे जो मैंने ग्रेनम लिखा है। इसके बाद ये है थायलाकॉइड, थायलाकॉइड, और ये है स्ट्रोमल लैमेली। मैं स्ट्रोमल को एस लिख रहा हूं शॉर्ट में, और यहां पे मैं लिख दिया है लैमेली, मैं इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, मैंने आउटर इनर मेम्ब्रेन तो लिखा नहीं, सब कुछ बता दिया। अच्छा, ये है जी आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, ये है इसकी मेम्ब्रेन। तो इसी तरह से आपको बनाना है ये क्लियर डायग्राम एग्जाम में भी, एंड आई होप आप ऐसा ही करें। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करेंगे, डायग्राम तो हो गया, अब जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, तीनों प्लास्टिड्स में, प्लास्टिक में तीनों टाइप को एक बार रिव्यू कर देता हूँ शॉर्ट में। एक तो मैंने ल्यूकोप्लास्ट बताया था, एक क्लोरोप्लास्ट बताया था, और एक क्रोमोप्लास्ट बताया था, ठीक है भाई। तीनों में डिफरेंस सिर्फ इनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स का है। तो जिस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है वो है पिगमेंट, सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट। तो इन तीनों में सिर्फ पिगमेंट का ही डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर तीनों की एकदम सेम ही होती है। लाइक इसमें भी अगर स्ट्रोमा मिल रहा है तो उसमें भी स्ट्रोमा मिलेगा। अच्छा, स्ट्रोमा से याद आया, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्ट्रोमा कौन कौन सी दो फॉर्म में मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो आपको जवाब देना है कि सर फ्लूड फॉर्म में मिलता है और लैमेली फॉर्म में मिलता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके पास अपना डीएनए भी है, जैसे मैंने बताया था इसके पास अपना डीएनए है, तो इसके पास क्योंकि अपना डीएनए है और डीएनए से ये आरएनए बना सकता है, जैसे कि मैंने तो बताया है, और आरएनए से ये अपने प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, और प्रोटीन्स बनाने में जो ऑर्गेनल हेल्प करती है उसका नाम है राइबोसोम, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम पे। तो बस इतना ही जानना था आपको, और प्लास्टिड्स के बारे में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत है। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, आपको कुछ चीजें और बतानी है। तो ये इतनी अच्छी सी ये जो ड्राइंग है इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है भाई। तो फोकस रखिएगा अपना 100% यहां पे, और मैं अभी जस्ट आपको एक और अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। हाँ जी, यहां पर आप सुनिए ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल करके कोई टॉपिक है आपके बुक में, तो उसको सुनिए ध्यान से, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। सेमी ऑटोनोमस, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूं अभी, तो अपना फोकस यही रखिएगा। देखिए AUTO है, ठीक है। अच्छा, सेमी ऑटोनोमस, देखिए ऑटोनोमस हम उसको बोलेंगे जो अपने सभी काम अपनी मर्जी से करे, मतलब किसी और के कंट्रोल में ना हो। लेकिन अगर
कोई आधा किसी के कंट्रोल में है और आधा अपना काम खुद से कर लेता है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। आधा मतलब हमेशा 50% नहीं। मेरा सेमी ऑटोनोमस बोलने से मतलब है कि ये पूरा काम अपना खुद से नहीं करता है, या फिर आधा काम ये अपना खुद से कर लेता है। ये वही कंडीशन है कि मैंने आपके सामने एक ग्लास भर के रख दिया है आधा, और आप या तो इसको बोलोगे आधा खाली या फिर आधा भरा हुआ, ये आपके ऊपर है, कोई बात नहीं। अच्छा, दो ऑर्गेनल हमारे सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल जो होती है उनके अंदर दो ऑर्गेनल ऐसी हैं जिनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। तो वो है, एक तो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड्स। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इन दोनों को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जाम से पूछने के लिए, एंड आई होप आप लोग इनको करके दिखा दोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं। इसका जो रीजन है वो यही है कि दे बोथ कंटेन्स देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है। अच्छा, अब डीएनए क्या काम करता है? डीएनए सभी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, लेकिन इनके पास क्योंकि अपना खुद का डीएनए है, तो इन ऑर्गेनल के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलेंगी, उनको ये खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अगर आपको ये जानना है कि डीएनए मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करता है, तो मैंने न्यूक्लियस की कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये प्लास्टिड का टॉपिक ओवर हो चुका है। अब हम थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लास्ट ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल। तो मिलते हैं उस लेक्चर में। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं।